हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 4.4 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे 4.5। दोस्तों, नया एक्सरसाइज है। ठीक है, देखें दोस्तों, प्रश्नावली 4.5। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 है। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का शाखंड, ठीक है, शाखंड एडज्वाइंट ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्नावली जो 4.5 है ना, उसके पहले 4.4, ठीक है, वो एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये एक्सरसाइज उसी पर ही लगभग बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, 40-45 मिनट का वीडियो है, आपको देख सकते हैं। वहाँ पर 2 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाएँ प्लेलिस्ट में, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोज़ को देखें। इसके बाद ये वीडियो भी देखें, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक तरह से है, 3 और 4 एक तरह से है। ठीक है, तो आज डिस्कस किया जाएगा 1 एंड 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, 5 से 11 तक। ठीक है, इतना यह सब रहेगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.5। ठीक है, देखना दोस्त, 4.5 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखना, पहला जो क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आप बस केवल कॉन्सेप्ट समझना बट, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना, मिल जाएगा आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा, तो एग्जांपल में क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप कॉन्सेप्ट समझना, यही चीज़ें थ्योरी में भी है। ठीक है, टाइम कम है, जल्दी से खींचते हैं। ठीक है, देखना दोस्त, आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, माना ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा। देखना दोस्त, यहाँ पर क्या है, अभी तक आपने क्या किया था, सारणिक देखा था ना, इधर देखना, ये जो क्वेश्चन था आपका इसके पहले यहाँ पर, ठीक है, क्या था, सारणिक डिटर्मिनेंट था ना, डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज भी है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अब देखो मैट्रिक्स मिल रहा है आपको ना, तो कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखना, मैं आप ट्रिक भी बताऊंगा इसका लगाने का। ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि शाखंड निकालेंगे, शाखंड आप निकालना जानते हैं ना, निकालना जानते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शाखंड। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शाखंड निकालना पड़ेगा, शाखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखना, a11 वही तो होता है, पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, उपसारणिक, फिर शाखंड। तो उपसारणिक से ही हम निकाल लेंगे, देखना कैसे, जब देखना, जब क्या आता है, प्लस का आता है। ठीक है, जब सम आता है, सम तो क्या होगा, प्लस होगा, और जब विषम आता है तो क्या होगा दोस्त, माइनस होगा। ठीक है, सम का मतलब जब रो और कॉलम जोड़ने पर क्या है, जैसे 1, 1, 2, तो सम आ रहा है, सम पर प्लस आएगा। जब 1 और 3, जैसे 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो विषम आ रहा तो माइनस लगेगा। देखना कोफैक्टर कैसे निकलता है, सामने वाला रो और कॉलम 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर a11 आप ले रहे हैं, सामने वाला रो कॉलम 0, तो बचा क्या, 4, तो जोड़ने पर 1 एंड 1, तो 1 प्लस 1 2, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 4 हो जाएगा, अगर आपको इसी तरह से क्या हो कि a12 निकाला जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2, 1, 3, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखना, ये वाला ही तो है, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला कॉलम और ऊपर वाला रो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से a21 की बारी। ठीक है, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, इस तरह से देखना, रो और कॉलम 0 हो जाएगा, बचा क्या, 2, तो जोड़ने पर कितना, 2, 1, 3, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, a22 अगर देखेंगे तो 2, 2, 4, सम का है ना, तो प्लस लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसके सामने वाला कॉलम और रो कैंसिल हो गया, बचा 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऐसे लिखते हैं, ADJ(A), ठीक है, एडजॉइंट ऑफ इस तरह से लिखते हैं, तो क्या होता जानते हैं, जो आपका शाखंड है, ये a11 a12 a21 और a22, ठीक है, इसी का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करा देते हैं। शाखंड आप निकाल लेंगे, पता है आपको, 2×2 का मैट जो आपका मैट्रिक्स रहेगा, उसका शाखंड आप निकालेंगे, हमने पिछले भी बताया वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जरूर जरूर देखें। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a11 मतलब इसका जो आपका एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखना दोस्त, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, a11 की वैल्यू कितनी, 4 है, प्लस का 4, तो 4 लिख लेते हैं, a12 की वैल्यू कितनी है, -3,
यहाँ पर माइनस का दो और यहाँ पर कितना है एक है, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज कराएं, ट्रांसपोज कराना जानते हैं अपना, परिवर्त क्या हो जाता है, जिसका रो वो कॉलम। जैसे ये रो में है, 4 - 3 रो में है, तो 4 - 3 कॉलम में लिख लो, -2 - 1 तो -2 - 1 इस तरह से कॉलम में हो गया। तो आपका दोस्त यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 2x2 का अगर मैट्रिक्स दिया रहे उसका क्या निकालना है, शाखंड निकालना रहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना दोस्त, अगर क्या हो ट्रिक बेस पे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में देखना क्या होगा, समझना बात। जैसे आपके पास ए है, मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ट्रिक पे निकालना हो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखना बहुत ही आसान है, ठीक है, बना लें। क्या करना है देखना, जो ये डायगोनल के रूप में है ना, इनको परिवर्त मतलब परस्पर बदलेंगे, देखना परस्पर बदलने पर, ठीक है, परस्पर बदलने पर। तो देखना 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ है 1 यहाँ लिख दो, बस समझ पाए आप। अब देखना जो इस तरह से डायगोनल में है क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, चिन्ह परिवर्तित, ठीक है। देखना प्लस का 2 है, माइनस का 2 लगा दिया, माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 है, माइनस का 3 लगा दिया। देखना ये और ये सेम है कि नहीं, 4 - 2 - 3 - 1, देखना 1 सेकंड में आपका आंसर हो गया, ठीक है, 5 सेकंड के अंतर आपका ये हो गया। अगर आपको समझ आया होगा, समझ आ गया होगा, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना दोस्त, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, क्या कह रहा है कि वही शाखंडज निकालना है। यहाँ पर आपका क्या था, 2x2 का आपने बना लिया, अब क्या 3x3 का बनाते हैं, ठीक है, 3x3 का कैसे बनेगा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ पर लिख लेना, माना ए इज इक्वल्स टू जो क्वेश्चन दिया गया, यहीं पर लेट कर लेंगे, 1 - 1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और 5, यहाँ हो जाएगा -2, 0, 1, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, हम लोग हटाते हैं। देखना दोस्त, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले शाखंड ही निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेना, शाखंड ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शाखंड आप कैसे निकालेंगे, वही चीज़ होता है कि अगर क्या हो जाएगा, सम रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो दोस्त क्या, माइनस, ठीक है, मतलब रो और कॉलम जोड़ने पर। तो A11 प्लस का रहेगा ना, तो प्लस का, देखना दोस्त ये देखना, कॉलम कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, 3, 5, 0, 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से 3, 5, 0, 1, इसको आप जानते हैं, प्रश्न कराना, 3 - 1 = 3, माइनस का 0, 5, 0, तो बराबर दोस्त कितना आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A12, ठीक है, 2, 1, 3 हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, ठीक है, विषम है। तो देखना ये देखना कैंसिल हो गया ना, 1 और 0 भी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, ये बचा क्या आपका, 2 - 2 = 5, 1, क्या बचा दोस्त, 2 - 2 और 5, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस आगे लगेगा, 2, 1 - 2, ये देखे माइनस यहाँ और यहाँ माइनस आता है, प्लस हो जाएगा, 5 - 2 = 10, यहाँ पर हो जाएगा -12, ठीक, -12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A13, देखना जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो पॉजिटिव सम है, देखना ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, 2, 3 और -2 और 0, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही दोस्त, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, 2 - 0 और ये माइनस या माइनस प्लस, 2, 3 - 6, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A31 हो गया, अब यहाँ पर 2-1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2, 1, 3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखना ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके क्या, -1, 2 और 0, 1, ठीक है, क्या बचा, -1 और -1 और 2 और 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, देखना माइनस आ गया ना, तो 1, 1 - 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना ये माइनस प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2, 2, 4 आ रहा है, सम आ रहा है, तो आगे प्लस का लग जाएगा, ठीक है। ये देखना बीच वाला 2 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, 1, 2, 1 और 2 और -2 और 1, प्लस हो जाएगा आगे, देखना 1, 1 - 1, ये माइनस प्लस, 2, 2 - 4, तो यहाँ पर दोस्त आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 8, 2, 3, ठीक है, 3, 2, 5 माइनस का हो जाएगा, ये देखना ये रो कॉलम कैंसिल, 1 बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ -2 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है, यहाँ -1, 0 और देखना दोस्त ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और प्लस के बाद यहाँ माइनस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस दो एक कम दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा दो, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा दो। अब ए टू थ्री, अब देखना दोस्त, अब आएगा ए थ्री वन, ए थ्री वन देखना, ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, चार आ रहा है, तो प्लस का हो जाएगा, थ्री वन यही तो है, देखना ये रो कॉलम कैंसिल, माइनस का वन आया, टू आया, थ्री फाइव, ठीक, प्लस हो जाएगा आगे, एक पच्चे पाँच, लेकिन माइनस का, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस माइनस, तीन दोनाई छः, ठीक है, तो हो गया यहाँ पर माइनस का ग्यारह। अब यहाँ देखना ए, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे ही बताया आपको, ए थ्री टू, तीन दो पाँच, ठीक है, पाँच हो जाएगा, प्लस लगा लिया, ठीक है, देखना ये क्या हो जाएगा, कॉलम और रो कैंसिल, वन बचा, माइनस वन बचा, देखना हाँ ये वन टू, वन टू, देखना सो तीन दो पाँच, ठीक है, तीन दो पाँच विषम का है ना, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, वन टू और टू और फाइव, वन टू टू फाइव, ठीक ठीक माइनस लग जाएगा, वन फाइव जब फाइव और दो दो नाई चार, तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस का वन, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए थ्री थ्री, ठीक है, तीन तीन छः प्लस का रहेगा, ठीक है, यहाँ देखना रो और कॉलम जीरो, वन बचा, माइनस का वन बचा, टू बचा और थ्री बचा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखना क्या हो जाएगा, तीन एक कम तीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो एक कम दो, तो देखना माइनस माइनस प्लस कर देगा, दो हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाँच, ठीक है, तीन दो पाँच हो गया। अब देखना क्या करते हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखना एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जो आपका ये आया ना शाखंडज, ठीक है, शाखंड ए वन वन, वही चीज़ ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, इसका ट्रांसपोज, ठीक, यही चीज़ जैसे मैंने किया था पीछे, तो ए डी जे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये देखो यहाँ पर तीन माइनस का बारह छः, ठीक है, तो देखना तीन माइनस का बारह और छः, और ए टू वन, ए टू, देखना ए वन वन, ए वन टू, हाँ ठीक है, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री, ये देखना ये तीन, वन फाइव दो, ठीक है, वन फाइव टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना माइनस का ग्यारह, माइनस का एक और पाँच, ठीक है, और इसका क्या ट्रांसपोज, ठीक है, अब बस इसी को पलट दो, तो एट जॉइंट ऑफ ए जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज यहाँ जानते हैं जो रो रहता है वो कॉलम में, तीन माइनस का बारह छः, तीन माइनस का बारह छः कॉलम में, एक पाँच दो कॉलम में, माइनस का ग्यारह, माइनस का एक और पाँच कॉलम में, दोस्त आपका आंसर यहीं पर हो गया, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्त देखना क्या है, प्रश्न नंबर तीन चार को सत्यापित कीजिए, ठीक है, कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इन बराबर मॉड ए इंटू में आई, इसको क्या करना है आपको, देखना है कि लीड कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कि इक्वल है तीनों कि नहीं, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे, देखना एक पेज हम और ले यहीं पर, ठीक है, पीछे है, ठीक है, देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो आपका तीन है, पहले तो टू क्रॉस टू का है, फिर है आगे, ठीक है, देखना कैसे करेंगे, देखना जो आपको क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया कि क्या करना है, देखना तो मान लेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, देखना कैसे करते हैं, यहाँ पर लिख लेना कि ए इंटू में ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल में दिखाना है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए के इंटू में ए बराबर हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ ए इंटू में आई, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही लिख लेना क्या, कि जैसे आपका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मान लेना, माना ए इज इक्वल्स टू क्या जो दिया गया आपका, ठीक है, टू थ्री माइनस का चार और माइनस का छः, ठीक है, बस आपको क्या करना है, शाखंड निकालना है, शाखंड निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वन वन कैसे निकलेगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है ना एक दो, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का छः, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस का छः हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का छः, ये क्या हो जाएगा, ए वन टू जोड़ने पर कितना आ रहा है, तीन, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का चार, समझ पा रहे हैं बात आप ना, माइनस का चार हो जाएगा, यहाँ पर चार आ जाएगा, अब ए टू वन, दो एक तीन, माइनस हो जाएगा, देखना ये जीरो, तीन बचा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा तीन बराबर कितना, माइनस का तीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू टू, ठीक है,
जोड़ने पे कितना आ रहा है, चार, तो प्लस का हो जाएगा, देखना ये कॉलम और रो कैंसिल, ये हो जाएगा दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा टू, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे आप, वही चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्या होता है, इसी का ट्रांसपोज, ए वन वन, ए वन टू, ए टू टू, और सॉरी ए टू वन और ए टू टू, ठीक है, इसी का क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं। आगे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट अप करेंगे, माइनस का छः, चार, माइनस का तीन और दो, इसी का ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त, तो ए जॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का छः और चार किसमें, रो कॉलम में, और माइनस का तीन और दो किसमें हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको मिलाना हो तो क्या हो जाएगा देखना, दो और छः बदल देंगे तो माइनस का छः ऊपर और दो नीचे आ गया, और सिंबल इसका माइनस का था तो प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो देखना यहाँ पर आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको देखना, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो ए है इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए आपको ये दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको ये दिया गया, तो देखना यहाँ पर एक चीज़ आप और करा लेना, क्योंकि अब यहाँ पर तो मिल गया लेकिन मॉडे कैसे मिलेगा आप जानते हैं, मॉडे मॉडे कैसे, वही प्रश्न जैसे करते हैं कि कैसे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, कराते हैं कि नहीं, बिल्कुल कराते हैं, तो माइनस का 12, और देखना ये माइनस यहाँ माइनस तो रहता ही, प्लस में चाटते ही 12, ठीक है, तो ये क्या हो गया बराबर 0, तो मॉड मॉड ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक वैल्यू पता चल गई, ठीक है। देखना आप लिख लेना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यही चीज़ लिखना, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, और बराबर हो जाएगा आपका मॉड ए इंटू में आई, ठीक है। देखना ए क्या है, पहले सबसे पहले हम एक एक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हम लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा देखना, ए आपको ये दिया गया है, टू थ्री माइनस का चार और माइनस का छः, गुणा करना आप जानते हैं ना, मैट्रिक्स में आपको बताया गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस का छः, माइनस का तीन, चार और दो। आगे क्या करेंगे आप देखना, ये क्या है, इसका रो और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, दो तिहाई छः, सॉरी दो छंग 12, माइनस का 12, तीन से कराएंगे यहाँ पर, तीन चौके 12 तो प्लस का 12 आ गया, ठीक है, इसी प्रकार से दो तिहाई छः तो माइनस का छः, और तीन दुनाई छः तो प्लस का छः हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी देखना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, चार तिहाई 12 तो प्लस का 12, और ये माइनस यहाँ तो माइनस लग जाएगा, और छः चौक और सॉरी दोस्त 6 चौके 24, ठीक है, टू और फोर आ जाएगा दोस्त, टू और फोर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 24 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ें समझनी है आपको। अब देखना ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार तिहाई 12 तो प्लस का 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 6 दुनाई 12 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या आया, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया दोस्त आपका, आ गया क्या देखना, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 0 0 0 0, ये चीज़ें आपको आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक, ठीक है, अब देखना ये देखना क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ठीक है, अब पलट की गुणा कराना है, पलट की गुणा करना, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, माइनस का छः है, माइनस का तीन है, तो चार है और दो है, अब गुणा कराएंगे ए से, गुणा कराएंगे ए से, टू है, थ्री है, माइनस का चार है, माइनस का छः, देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है, कैसे हो जाएगा देखना, माइनस है 6 दुनाई 12 तो माइनस का 12, वही रो इसका और इसका कॉलम, ठीक है, तो माइनस का छः, 6 दुनाई 12, और यहाँ पर कराएंगे देखना माइनस माइनस प्लस और 3 चौके 12, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, अब देखना क्या हो जाएगा, माइनस का, हाँ अब इसमें ठीक है, 6 3 18 तो माइनस का हो जाएगा 18, और माइनस माइनस प्लस और 3 6 18, ठीक है, ये चीज़ें आपको हो गई, यहाँ पर देखना ठीक है, 4 दुनाई 8, और ये देखना 2 चौके 8 लेकिन माइनस का 8, ठीक है, यहाँ पर देखना 4 3 12 तो 12 हो जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस हो जाएगा 2 छंग 12, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है, तो देखना दोस्त आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए आया वहाँ पर उल्टा था, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो क्या आया देखना, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, कट गया ना 0 0 0 0, तो ये भी आपका इक्वल है, इसको मान लो समीकरण नंबर दो, ठीक है, यहाँ पर क्या कराना आपको कि मॉड ए इंटू में आई, अच्छा मॉड ए कितना आया था, मॉड ए आपका 0 आया था ना, ये देखो मॉड ए कितना आया था, यहाँ पर 0 आया था, मॉड ए 0 आया था, इंटू में क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ये आप जानते हैं तत्समक आव्यूह, तो
तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट में, तो क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो 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 और जीरो। तो देखना यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपका देखना इक्वल आया ना तीनों, देखना ये भी इक्वल है, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन भी आपका इक्वल है। तो देखना यहाँ पर लिख लेना समीकरण एक दो व तीन, ठीक है, सत्यापित हैं, ठीक है, सत्यापित हैं। तो यहाँ पर लिख लेना वही चीज़ कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए और इक्वल है मॉड ए इंटू में आई के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखना दोस्त हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है उसको देखना, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम व्यतीत किए। वो देखना ये दो क्रॉस दो का व्यू था, अब हम तीन क्रॉस तीन वाला देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखना तीन क्रॉस तीन में क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, चार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार वाला देखना क्या है, क्या हो जाएगा, देखना वन माइनस का वन और दो, तीन जीरो माइनस का दो, एक जीरो तीन, तो क्या हो जाएगा देखना। सबसे पहले वही चीज़ शाखंड, ठीक है, शाखंड आप कैसे निकालेंगे आप जानते ही निकालना, वही चीज़ ए वन वन ए वन टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वन वन कैसे निकालेंगे, देखना जोड़े पे जोड़ने पे सम आ रहा ना, तो देखना रो और कॉलम जीरो हो गया आपका, तो बचा गया प्लस हो जाएगा, प्लस का आएगा क्या आएगा देखना, जीरो माइनस का दो और जीरो तीन, तो ये क्या हो जाएगा देखना, प्लस का तो आगे रहेगा जीरो 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 प्लस का जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा जीरो हो गया। अब ए वन टू देखना जोड़ने पे माइनस आ रहा है, ठीक है, देखना ये जीरो और ये जीरो, तीन हो गया, एक हो गया, माइनस का दो हो गया और तीन हो गया, ठीक दोस्त, तीन तरीका नौ और माइनस, और यहाँ पर माइनस रहता है प्लस, दो एक कम दो, ठीक है, नौ दो ग्यारह, क्या हो जाएगा ए ए वन थ्री, ठीक, हाँ तीन तीन एक चार प्लस आ रहा है, तो देखना क्या हो जाएगा, ये कॉल रो और कॉलम जीरो, यहाँ पर हो गया तीन जीरो एक जीरो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना प्लस हो जाएगा, जीरो जीरो एंड जीरो माइनस का जीरो, तो क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना ए ए टू वन, ठीक है, दो एक तीन, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा देखना, ये टू वन है तो रो और कॉलम जीरो, यहाँ पर बचा माइनस का वन दो जीरो और तीन, ठीक है, माइनस का वन तीन एक कम तीन, तो माइनस का तीन क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस का जीरो, तो दोस्त यहाँ पर हो गया कितना तीन हो गया, क्योंकि माइनस ये था तो माइनस माइनस प्लस। अब देखना ए टू टू कैसे होगा, देखना जोड़ने पर प्लस आ रहा है, दूसरा दो दूसरा कॉलम कैंसिल, तो एक दो एक तीन, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे कराएंगे, प्लस लगा देंगे आप, एक त्याएँ तीन माइनस का दो, एक दो आएँ दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे ए टू थ्री जोड़ने पे माइनस, क्योंकि विषम आ रहा है, ठीक है, तो ये जीरो वन बचा, माइनस का वन बचा जीरो बचा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वन जीरो एंड जीरो, ये माइनस यहाँ वाला माइनस प्लस, वन वन जा वन, यहाँ पर आ गया माइनस का वन, समझ पा रहे हैं बात आप। देखना पेज भीग गया दोस्त, बहुत गर्मी हो रही, ठीक है, ए थ्री वन तीन एक चार, तो प्लस हो जाएगा, चार प्लस हो जाएगा ना, देखना तीन एक कम तीन, सॉरी, तो देखना ए थ्री वन, देखना ये और रो कॉलम जीरो, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का वन बचा, टू बचा, जीरो बचा और यहाँ पर माइनस का दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, प्लस आया गया तो कोई दिक्कत नहीं, देखना माइनस माइनस प्लस, दो एक कम दो, माइनस का जीरो, तो यहाँ पर आ गया दो, ठीक है। आगे देखना क्या हो जाएगा, आगे देखना ए थ्री टू जोड़ने पे माइनस, ठीक है, तो देखना ये जीरो वन बचा, यहाँ पर थ्री बचा और यहाँ पर टू बचा और यहाँ पर माइनस का दो बचा, ठीक है, माइनस लगाएंगे, दो एक कम दो माइनस का और माइनस का तीन दुनाई छः, छः दो आठ, प्लस का आठ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए थ्री थ्री, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये रो कॉलम जीरो, वन आएगा, माइनस का वन आएगा और तीन और जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस तो लग ही जाएगा, वन जीरो एंड जीरो और ये माइनस प्लस हो जाएगा और तीन एक कम तीन, तो यहाँ पर दोस्त कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, वही चीज़ कराएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वही चीज़ देखें जो आपका ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री है, तो यहाँ पर देखना जीरो ग्यारह जीरो और तीन एक माइनस एक और यहाँ पर आ जाएगा दो आठ तीन,
इनका क्या, इनका ट्रांसपोज, तो क्या होगा आपका आंसर, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, 0 11 0 कॉलम में, 3 1 -1 कॉलम में, 2 8 3 कॉलम में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखना दोस्त, जो आपका यहाँ पर क्या था, ये गलती क्या होगी ना, माइनस कितना था, माइनस का 9 2 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, यहाँ पर ये गलती होगी, तो यहाँ पर आप क्या कर लें, माइनस का 11 कर लें और यहाँ पर ये कर लें। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ये आपका इतना आ गया। ठीक है, आप सही है। ठीक है, थोड़ा जल्दी में कभी माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो अब देखना, अब क्या करेंगे, देखना एक सेकेंड, दूसरा पेज ले लेते हैं इसी के बाद। ठीक, अब क्या कह रहा है आपका जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखना, वही परिवर्त वाला है ना, तो क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, और क्या है, मॉड ए इंटू में आई। ठीक है, ये है। तो देखना दोस्त, यहाँ पर देखना, अगर इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मॉड ए निकालेंगे इस वाले का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 आगे हो जाएगा, ये जीरो, 3 0 0 मतलब 0 और माइनस का 0 हो गया, यहाँ माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, रो और कॉलम 0, 3 3 9, 3 3 1 9, और ये माइनस यहाँ वाला माइनस को प्लस कर देगा, 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, 3 0 0 और माइनस का 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखना मॉड ए जो आएगा वो, ये तो 0, ये भी 0, 9 2 11, तो क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, मॉड ए आपका 11 आया, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखना, जब हम क्या कराएंगे, ए ए क्या है, देखना ए आपका यही वाला, ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या लेंगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये लेते हैं, तो ए कितना है, 1 है, माइनस का 1 है, 2 है, 3 0 माइनस का 2, 1 0 और 3 इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए देखना, यहाँ पर 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस का 1 और 3, तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखना 1 0 हो जाएगा, 0 रो और कॉलम से, 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 11 11 और यहाँ पर प्लस का 0, इसी प्रकार से आ गया, क्या हो जाएगा, 1 3 3, यहाँ माइनस का कराएंगे तो माइनस 1 1 जा 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पर 1 1 2 आए 2, यहाँ पर माइनस 1 8 जा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 2 3 6, इसी प्रकार से यहाँ से इसमें 3 0 0, ठीक है, 0 का इसमें कराएंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से जब कराएंगे तो माइनस का 0। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ से जब कराएंगे 3 3 1 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × 1 तो प्लस का 0 ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस का 2, यहाँ पर 3 2 9 6, 0 × 2 में 8 तो प्लस का 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 3 6, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर जब आगे कराएंगे क्या, 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 हो जाएगा, तो आपका आएगा 0 ही, हाँ 0 आ जाएगा, 1 0 0 0, 0 से 11 कराएंगे तो प्लस का 0 ही हो जाएगा, या माइनस का 0 कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से कराएंगे तो 1 3 3 और 0 का 1 से तो प्लस का 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 आए 2 प्लस का 0 लिख सकते हैं, और 3 3 1 9 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है, एक बार मिला लेते हैं हम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक, अभी आ गया। आगे जब आप निकालेंगे ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, जब आप ये जोड़ लें घटा लें जो भी हो, 11 हो गया, देखना 2 1 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना 6 2 8 और 8 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देख लेना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 6 में से 6 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखना ये 0 कट गया, क्योंकि ये देखना इस तरह से ना, ये इस तरह से कट जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे तब कट जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो अब ये सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखना, ये तो आ गया समीकरण नंबर 1, देख लेना, अब जो आपको गुणा कराना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में। ठीक है, अब क्या करना, सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए देखना,
ये देखना जो आपका एडजॉइंट ऑफ ही आया ना, देखना पेज भीग गया दोस्त। ठीक है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। इनटू में आपका ए जो है वो देखना, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे कराएंगे उसको देखना, कैसे कराएंगे देखना, 0 1 जा 0 3 3 जा 9 प्लस का 9 2 1 कम 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 3 0 प्लस का 0 प्लस का 0। ठीक है, इस तरह से हो गया, यहाँ पर 0 यहाँ पर माइनस का 6 यहाँ पर प्लस का 6। ठीक है, ये हो गया, यहीं पर देखना 11 1 जा 11 तो माइनस का 11 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 3 और 8 1 जा 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 11 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 0 प्लस का 0 और प्लस का 0। ठीक है, ये हो गया माइनस का 11 दुना ही 22, तो माइनस का 22 यहाँ पर माइनस का 2 और 8 3 के 24 प्लस का 24 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 जा 0 और माइनस का 3 और प्लस का 3। यहाँ पर देखना दोस्त 0 1 जा 0 यहाँ भी कराएंगे 0 यहाँ 3 से 0 कराएंगे तो प्लस का 0। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और 3 3 का 9 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस सही है। यहाँ पर दोस्त देखना 9 2 11 ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पर ये देखो 0 हो गया, यहाँ भी देखना 8 3 11 प्लस माइनस 0 यहाँ पर 11 यहाँ पर कितना, यहाँ पर 0 देखना कैसे 22 2 24 और माइनस प्लस 24 0 यहाँ पर 3 0 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 11। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आप 2 मान लें। अब देखना समीकरण नंबर 3 जो आपका क्या करना है, मॉड ए इंटू में आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड भाई परेशान कर रहा है, एक सेकंड क्या हो जाएगा देखना, मॉड ए कितना है, मॉड ए कितना है यहाँ पर आपने निकाला था 11, मॉड ए कितना 11। ठीक है, तो 11 आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 1 जा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखना दोस्त समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 तीनों वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तीनों जो हैं देखना सेम है ना, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि समीकरण 1 2 व 3 सत्यापित हैं तब। ठीक है, तब लिख लेना कि क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल्स टू क्या है दोस्त, इज इक्वल्स टू क्या है आपका कि मॉड ए इंटू में आई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि और अधिक बच्चे जुड़ पाएँ, हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएँ, बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, देखना दोस्त इसमें मैं पसीना पसीना हो गया। ठीक है, एकदम देखना ये सब, ठीक है, बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके चल बता रहा हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें।